आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो जब भी आपका बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो आप घर में ही स्ट्रीट स्टाइल ये मसाला पाव बना के तैयार करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 7 से 8 पाव ले लिए हैं। ये देखिए, ये एकदम फ्रेश पाव हैं। अब इसे क्या करना है कि बीच से हमें ये देखिए चीरा लगा लेना है, और ये थोड़ा सा ये हमें छोड़ देना है कि ये ऐसे रहे कि हम इसमें अपनी स्टफिंग भर सकें। तो ये देखिए, अब उसके बाद एक पैन में 1 चम्मच हम बटर लेंगे और इसको फैला देंगे, और उसके बाद अपने पाव को हम सेक लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा हम सेक लेंगे इसे बटर में। इससे क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो दोनों साइड से उलटते पलटते हुए हम इसे सेक लेंगे। अगर आपके पाव बीच से टूट जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर इस प्रोसेस में वो टूट जाते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही हल्का ही हमें सेकना है, बहुत डार्क नहीं करना है। तो मैंने सारे पाव सेक के तैयार कर लिए हैं। अब फिर एक पैन में मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए लहसुन 6 से 7, 1 इंच अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 हरी मिर्च को भी ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च आप चाहें तो और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे, बहुत ओवर कुक नहीं करना है, 2 मिनट में ये पक जाते हैं। फिर हम इसमें 1 प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसका भी हल्का कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है, जब तक ये थोड़ा पिंकिश ना हो जाए। ओवर कुक नहीं करना है यहाँ पे, हमें फ्लेम मीडियम रहेगी। फिर हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। फिर इसमें 1 शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, इसे भी मैंने बारीक काटा है। फिर इसमें नमक हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, आपको यहाँ पे नमक ऐड करना है क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे जिसमें नमक होता है, तो ध्यान देके आप इसमें नमक ऐड करें। तो ये देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। मिक्स कर देंगे इसे। ये देखिए, बहुत ही चटपटा मसाला बनके रेडी होता है। फिर 1/3 कप बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी ऐड कर लेंगे, और लास्ट में हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे 1/6 चम्मच, और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फिर ये जो पाव मैंने सेक के तैयार कर लिए थे उसमें देखिए बीच में हम स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही स्टफिंग करके हम तैयार कर लेंगे सारे पाव बहुत ही ईजली। ये देखिए, हम इसको स्टफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फिर एक पैन में मैंने 1 चम्मच बटर ले लिया है, और एक बार हम इसे फिर सेक लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, बस हर तरफ से इसे थोड़ा सेक लेंगे हम। ऊपर से भी थोड़ा बटर मैंने लगा दिया है। ये देखिए, पलट के भी हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। ये देखिए, हर तरफ से मैं इसे थोड़ा सेक लूँगी, इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने इसे निकाल लिया है, और ये हमारा बहुत ही चटपटा मसाला पाव बन के तैयार है। ये देखने में ही लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी। तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप चटपटा मसाला पाव बना सकते हैं। लास्ट में मैं इसे धनिया की पत्ती और प्याज के साथ गार्निश कर दूंगी। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब भी आपको बाहर का खाने का मन करे तो घर में ही आप चटपटा मसाला पाव बना के तैयार कर लें। ये बच्चों से बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है।